चलिए आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जनरेशंस जनरेशंस तो ह्यूमन के जानते हैं हम, लेकिन ये कंप्यूटर का जनरेशन क्या है? तो कंप्यूटर के जनरेशन से तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार हम मानव की जनरेशन की बात करते हैं, तो मानव की जनरेशन में भी पहली जनरेशन जो थी, उसके बाद दूसरी जनरेशन हुई, तीसरी जनरेशन हुई। तो ऐसे में जनरेशन में कुछ न कुछ तब्दीलियां हुई, बदलाव जरूर हुए। उसी तरह कंप्यूटर के पीढ़ियों की बात करें या कंप्यूटर के जनरेशन की बात करें, तो कंप्यूटर के जनरेशन में भी हम वही जानकारी हासिल करते हैं कि कंप्यूटर में आखिर क्या क्या बदलाव हुए। क्योंकि आज जिस रूप में हम कंप्यूटर को पा रहे हैं या यूज कर रहे हैं, इस प्रकार का कंप्यूटर नहीं था। सर्वप्रथम कंप्यूटर में किस तरीके से किन चीजों का प्रयोग हुआ करता था, कैसे प्रयोग करते थे, उनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कौन से इस्तेमाल किए जाते थे, इन सभी को पढ़ने के लिए, इन सभी जानकारियों को हासिल करने के लिए हमें कंप्यूटर की पीढ़ियां जाननी होती है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों में। पहली पीढ़ी यानी कि कंप्यूटर के शुरुआती दौर में कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करते थे और क्या प्रारंभ। ये आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी। शुरुआती दौर जो हमारे कंप्यूटर का आया वो 1940 से 1956 के बीच रहा। और ऐसे में हमारे कंप्यूटर जो उस दौरान आते थे, उनमें प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। कुछ कमियां भी थी, वो सभी कमियां हम देख सकते हैं, जैसे कि आकार में बड़ा होना, जल्दी गर्म हो जाना, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब विद्युत की धारा प्रवाहित करते थे, और वैक्यूम ट्यूब के लगे होने से, जल्दी गर्म हो जाने से हमारा कंप्यूटर काफी देर तक रिलायबल नहीं था, कार्य नहीं कर सकते थे हम। वातानुकूल की व्यवस्था करनी होती थी। और ऐसे में उस दौरान, अब आपके अंदर एक जानने की इच्छा हो रही होगी कि समय सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया, तो सवाल एक आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स में मार्क फर्स्ट का नाम आता है। मार्क फर्स्ट हमारा सबसे पहला कंप्यूटर, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये कंप्यूटर निर्मित किया गया। और मार्क फर्स्ट को बनाने वाले व्यक्ति का नाम हम आपको बता देते हैं, डॉक्टर हार्वर्ड आइकिन ने इसे निर्मित किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने आईबीएम का सहयोग लिया और आईबीएम कंपनी ने इनका सहयोग किया, और ऐसे में फर्स्ट कंप्यूटर बना। बट उस दौरान यह कंप्यूटर पूर्ण रूप से विद्युतीय नहीं था, यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहलाता। और ऐसे में हमारा जो दूसरा कंप्यूटर आया इनियक, इसे JW मॉचली एंड JP एकर्ट ने मिलकर बनाया, और 1946 नियर अबाउट में ये तैयार हुआ, और ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऐसे में ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम आगे दिए गए हैं, इडवैक, यूनिवैक, आईबीएम 701, आईबीएम 650। ये सभी कंप्यूटर्स हमारे जो थे वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। हम कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के प्रारूप को देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे प्रथम पीढ़ी के। यह बदलाव कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें आगे सेकेंड जनरेशन में पता लगेगा। तो
तो चलिए सेकेंड जनरेशन की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 1956 से 1963 तक चला। इस दौरान वैक्यूम ट्यूब की जगह इस पार्ट ने ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पार्ट क्या है, क्या नाम है इसका। तो उतने बड़े पार्ट, वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ा होता था, लेकिन ये छोटा सा पार्ट आया और ये सिर्फ छोटा था लेकिन काम उसी के बराबर था, सिर्फ आकार में छोटा था। अब आप ये समझ सकते हैं कि आकार में छोटे होने से कंप्यूटर में भी आकार तब्दील हो गया, आकार में भी बदलाव हुआ, और आकार में बदलाव होने के साथ साथ ही बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि स्पीड, जैसे कि जल्दी गर्म नहीं होना, बहुत कुछ चेंजिंग हो गई। और इस पार्ट का नाम हम आपको बता देते हैं, इस पार्ट को हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। यह ट्रांजिस्टर आया और ट्रांजिस्टर ने काफी कुछ बदलाव कर दिया, और ट्रांजिस्टर के बदलने से हमारे कंप्यूटर में भी बदलाव हुआ, और कंप्यूटर हमारे कुछ छोटे हो गए, कीमत भी कम हो गई, और इस तरह कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, और दूसरी पीढ़ी जिसमें कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और ट्रांजिस्टर के प्रयोग वाले जितनी मशीनें आई उनको हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं तीसरी पीढ़ी। पीढ़ी का ड्यूरेशन रहा 1964 से 1971 तक। और 1964 से 1971 में हुआ क्या, तो यहां देखिए नाम आता है इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट आमतौर पे हम लोग पुकारते हैं, अक्सर सुनने को आप सुने होंगे कि आईसी कहते हैं। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सर्किटों को मिला दिया। ये सर्किट कहीं और से नहीं थी, जो भी हमने सेकेंड जनरेशन में पढ़ा, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो था वो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन नामक एक पदार्थ से बनता है, उसकी सर्किट तैयार की जाती है। और उस सर्किट की बात करें तो सर्किट को निकालकर सैकड़ों सर्किट मिलाकर एक पार्ट बनाया गया, जिस पार्ट का नाम लिखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट। ये है आपके सामने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रारूप। अब इस आईसी को आप देख सकते हैं, आईसी जो कि सैकड़ों ट्रांजिस्टर के बराबर इसकी ताकत थी, और हब यहां पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की ताकत भी बढ़ गई, कीमत भी कम हो गई, आकार भी छोटा हुआ, और इस तरह हमारा कंप्यूटर काफी ताकतवर हो गया। और ऐसे हमारे तीसरी पीढ़ी तक आते आते कंप्यूटर में काफी बदलाव। 1971 के बाद भी ये सफर अभी चलता रहा, और 1971 के बाद वो कंटिन्यू अभी चल भी रहा है। और ऐसे में फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी जो आई वो लेकर आई हमें माइक्रो प्रोसेसर या VLSI कहते हैं। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, जहां हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया गया। और ऐसे में हमारे इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर निर्मित किया, और ऐसे में माइक्रो प्रोसेसर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सिंपल CPU भी कह के पुकारते हैं। और CPU चिप बनने के बाद अब ये पॉसिबल हो गया कि एक कमरे में भी आप टेबल पर कंप्यूटर्स को रख सकते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर निर्मित होने लगे, और इस तरह हमारा कार्य बहुत आसान हुआ और कंप्यूटर काफी छोटे हो गए। आज कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की जो अगली जनरेशन आई, चतुर्थ पीढ़ी भी कंटिन्यू है, और ऐसे फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में SI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बता दें हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धिमता कहते हैं इसे,
यानी यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक मानव है, लेकिन ये मानव नहीं है, मानव द्वारा निर्मित किया गया एक मानव का ही प्रारूप है, जो कि कंप्यूटर है। रोबोट का नाम आपने सुना होगा, रोबोट प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो इसका दौर चल रहा है। सो ऐसे में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि हमारी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स आते हैं, जहां की जिस प्रकार ह्यूमन यानी इंसान के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, वैसा कंप्यूटर को निर्मित किया जा रहा है। तो ऐसे में आप यह क्लास ज्वाइन करके आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं इस दौरान आप सभी को कंप्यूटर के ज्ञान देना चाहता हूँ, कंप्यूटर का नॉलेज आप सभी को हो। धन्यवाद।